एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाउंडेशन का रिव्यू। तो मेरे पास ये है फाउंडेशन, इसके ऊपर एक आउटर पैकेजिंग में एक बॉक्स था तो वो मुझसे गुम हो गया, और इसकी एक कैप भी थी वो भी मुझसे गुम हो गई। बट दिस इज़ रियली नाइस फाउंडेशन। तो सबसे पहले तो देखें कि इसकी पैकेजिंग जो कि काफ़ी अच्छी है, ये देखने में बहुत ही लग्जूरियस लगता है। ये एक ग्लास पैकेजिंग है, पूरी ग्लास है इसका, लेकिन इसका ग्लास बिल्कुल भी पतला या हल्का नहीं है, ये बहुत ही थिक ग्लास है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं अपनी मेकअप बैग में इसे दूसरे सामान के साथ कैरी करती हूँ और ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, ना ही स्क्रैचेस आते हैं। बहुत अच्छा सा ये है इसकी पैकेजिंग, और ऊपर यहाँ पर ये गोल्डन कलर में दे रखा है इसका पंप फॉर्म में, तो इस पंप से आप फाउंडेशन को ईजिली निकाल सकते हैं। और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं इसके बहुत अच्छे प्रिटी फ्लावर्स बने हैं, और इसमें आप अपना फाउंडेशन देख सकते हैं। दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव और लग्जूरियस दिखता है, तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत बहुत पसंद आई है। अभी ये फाउंडेशन मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है। सो लेट्स सी, ये मेरे पास है मेयोन का फ्लॉलेस रिफ्लेक्ट फाउंडेशन विथ SPF 20। सो ये इसकी बहुत ही बेस्ट बात है कि ये आ रहा है SPF 20 के साथ, जो कि सन से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी अपनी हेल्प करता है। हमें आज के एनवायरनमेंट में सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आपको फाउंडेशन के अंदर SPF 20 मिल रहा है तो ये बहुत ही बेटर है, यू कैन सी। और इसकी क्वांटिटी है 40 ml, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। इसकी प्राइस मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया था तो अराउंड इसकी 300 या 350 में आपको ये मिल रहा है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं इसे। मैंने भी इसे अराउंड 300 के आसपास लिया था, और दिस इज़ वर्थ इट। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, इसका शेड है 02। मेरा शेड से थोड़ा सा लाइट है, बट फिर भी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए मैं इसको यूज़ करते टाइम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर या फिर मॉइस्चराइज़र मिलाकर यूज़ करती थी, बट इट इज़ रियली नाइस। इसको लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, और साथ ही में बहुत अच्छा शाइन भी देता है, बहुत ग्लास स्किन लगती है इसको लगाने के बाद। आपको कोरियन ग्लास स्किन लुक मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही शाइनी है। आई विल शो इट, काफ़ी अच्छा क्रीमी सा है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। इसको लगाने के बाद आपको काफ़ी अच्छा कवरेज मिलेगा, काफ़ी शाइन मिलेगी, काफ़ी ब्राइटनेस मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगता है तो आप इसमें पानी या मॉइस्चराइज़र मिलाकर लगा सकते हैं, इससे ये काफ़ी अच्छा सेट होगा। इसका शेड थोड़ा सा लाइट है, बट ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है आपका मेकअप, काफ़ी आपको अच्छी शाइन देता है, थोड़ा मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को, इससे आपका बेस एकदम फ्लॉलेस बनता है। काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस हो जाती है इस स्किन, और बहुत ही शाइनी है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन इट इज़ वर्थ इट, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।